दोस्तों अक्षय कुमार बॉलीवुड के अभिनेताओं में से एक हैं जो अपनी फिल्में लगातार करने के लिए जाने जाते हैं। साल के अंदर 4 से 5 फिल्में वो फटाफट से ले आते हैं और सभी को उनकी फिल्में पसंद भी आती हैं और फिल्म आसानी से 100 करोड़ क्लब में शामिल भी हो जाती है। इस साल की शुरुआत उन्होंने केसरी फिल्म से की थी, केसरी जिसने 150 पार की कमाई कर ली है और अभी भी ये कमाई करती ही जा रही है। आपको बता दें कि आने वाले टाइम में भी अक्षय कुमार की और भी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ आने वाली है, तो आज बात करने वाले उन मूवीज़ की और उनके कलेक्शन के बारे में कि अक्षय कुमार इस साल कितना ज़्यादा कलेक्शन करने वाले हैं। अपनी पहली मूवी से 150 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले अक्षय कुमार लगता है कि सीधा 200 करोड़ के क्लब में जाकर ही थमेंगे। केसरी मूवी काफ़ी शानदार बनी है और अभी भी ये थिएटर्स में उच्च स्थान पर लगी हुई है। कलंक के रिलीज़ होने के बावजूद भी इसके कलेक्शन में कुछ भी जो है घटती नहीं हुई है। बात करें अगली फिल्म की, तो अगली फिल्म इनकी होने वाली है 15 अगस्त को रिलीज़ होने वाली मिशन मंगल। जी हाँ दोस्तों, मिशन मंगल भी काफ़ी शानदार फिल्म होगी। इस फिल्म के अंदर विद्या बालन के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे, जहाँ आपको तापसी पन्नू और सरमन जोशी जैसे कलाकार भी मूवी के अंदर नजर आने वाले हैं। मूवी आसानी से 100 करोड़ पार कर जाएगी क्योंकि मल्टी स्टारर है और साथ ही साथ अक्षय कुमार का ठप्पा भी उस पर है। उसके बाद अगर बात करें तो अगली मूवी होने वाली है गुड न्यूज़, जो कि 6 सितंबर को रिलीज़ होगी। 6 सितंबर को गुड न्यूज़ रिलीज़ होगी और इस मूवी के अंदर आपको 4 बड़े कलाकार एक साथ नजर आएंगे, जिसके अंदर अक्षय कुमार तो है ही हैं, साथ ही साथ करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी भी नजर आएंगे। ये चारों काफ़ी शानदार केमिस्ट्री के साथ इस मूवी के अंदर नजर आने वाले हैं। मूवी की कहानी सरोगेसी पर आधारित होने वाली है। दोस्तों गुड न्यूज़ को लेकर अभी भी काफ़ी बज़ बना हुआ है क्योंकि इस मूवी के अंदर एक और नन्हे कलाकार यानी तैमूर अली खान, जो कि करीना कपूर खान के बेटे भी हैं, वो भी इस मूवी में नजर आएंगे। बात करें अगली फिल्म की, तो अगली फिल्म होने वाली हाउसफुल 4, जो कि सीधा सीधा 300 करोड़ के ऊपर ठप्पा लगाती है क्योंकि ये भी एक मल्टी स्टारर मूवी है। तो इस मूवी के अंदर रितेश देशमुख जैसे कलाकार और बॉबी देओल जैसे कलाकार अक्षय कुमार के साथ में नजर आएंगे। तो इस मूवी से साफ गारंटी होती है कि जब भी अक्षय कुमार कॉमेडी जॉनर के अंदर आते हैं तो हमेशा कमाई के नए साधन खुलते हैं और वो आसानी से कमाई कर जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी भी 300 करोड़ के आसपास की कमाई कर सकती है। देखा जाए तो इस साल के एंड में एक और बड़ी फिल्म नहीं बल्कि वेब सीरीज आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार ने अमेजन प्राइम वीडियो से हाथ मिलाया और साल के अंत में वो एक और जो है वेब सीरीज़ बनाने की सोच रहे हैं। पहली वेब सीरीज़ जो अक्षय कुमार की आएगी वो काफ़ी शानदार रहेगी। इसका टाइटल होने वाला है द एंड। आपको बता दें कि ये तो द एंड होने वाली है, ये भी होने वाली है एक्शन सीरीज़। अक्षय कुमार एक्शन अवतार में जब भी आते हैं तब ताबड़तोड़ कमाई करके लेके जाते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि मूवी कितना कमाती है, क्योंकि अक्षय कुमार ने पहले ही इस द एंड सीरीज़ से कमाई कर ली है, क्योंकि अक्षय कुमार ने 90 करोड़ रुपये चार्ज किया है इस सीरीज़ को करने के लिए। वहीं देखा जाए तो साल के अंदर 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएंगे। सिर्फ 4 बड़े प्रोजेक्ट के साथ अक्षय कुमार जो है 500 करोड़ का मिनिमम आंकड़ा तो पार कर ही जाएंगे, बल्कि ये कलेक्शन जो है काफ़ी आगे तक भी जा सकता है। अक्षय कुमार बॉलीवुड में उन अभिनेताओं में आते हैं जो कि अपने काम के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं अक्षय कुमार के आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलती है सबसे पहले।